हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो। और जैसे जैसे मैं वीडियो को जूम करता जा रहा हूँ, देखो आप क्या नोटिस कर रहे हो। और फाइनली एंड में इसका एक छोटा सा मैं मैक्सिमम क्लोजअप मैक्रो में पिक ऐड करूंगा, उस पिक को भी आप देखना। ये ओ के अंदर देखो आपको कितने सारे छोटे छोटे डॉट्स दिखते हैं। आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एस पिक्सल्स। ये पिक्सल्स का हाईली एनलार्ज्ड वीडियो फोटो पिक अभी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा, उसको भी ज़रा ध्यान से देखना और फिर मैं आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा। देखो बच्चों, ये जो इमेज आप देख रहे हो वो टॉर्क में जो ओ लिखा था उसका क्लोजअप इमेज है। इसमें कितने सारे पिक्सल्स दिख रहे हैं, लेकिन जब इसी इमेज को हम दूर से देखते हैं तो हमको इतने सारे पिक्सल्स नहीं दिखते हैं, वो एक कंटिन्यूस इमेज दिखता है। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमको स्टडी करना है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे ख्याल से अभी जो वीडियो आपको दिखाया वो आपने देखा होगा ध्यान से। क्या है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? अभी तक हम जो भी चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे वो था डिस्क्रीट चार्ज, यानी इक्का दुक्का चार्ज, एक सिंगल चार्ज। लेकिन जब बहुत सारा चार्ज बाजू बाजू में होता है तो एक कंटिन्यूटी जैसा फीलिंग आता है। जैसे आप लोगों ने इस वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में देखा था कि मोबाइल का स्क्रीन अपने को एकदम कंटिन्यूस इल्यूमिनेटेड लगता है, लेकिन जैसे 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 हमने क्लोजअप किया, क्लोजअप करते गए वैसे वैसे पता चला कि वो यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड नहीं है, उसमें कुछ डार्क पॉइंट्स है और कुछ ब्राइट पॉइंट्स है। वो मिलकर हमको एक कंटिन्यूस इल्यूमिनेशन का फीलिंग आता है। बच्चों, एक सिंगल चार्ज, या मैं बोलूं आपको कि मैंने चार पॉइंट चार्जेस लिए है या फाइव पॉइंट चार्जेस लिए है या थ्री पॉइंट चार्जेस लिए है, वो मीनिंगलेस कंसेप्ट है, इम्प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। एक सिंगल चार्ज इतना कम होता है उसको लेने का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको ये पॉइंट दिख रहा है? ये मान लो मैं इसको और थोड़ा सा हल्का सा कर दूं तो शायद देखना मुश्किल हो जाए, लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स अगर मैं ले लेता हूं तो एक कंटिन्यूटी का फीलिंग आता है। अभी एक पॉइंट है, उसके बाजू में मैंने दूसरा पॉइंट बनाया, उसके बाजू में तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बना दिए। तो वहां से अगर आप वीडियो में देखोगे तो अपने को एक कंटिन्यूस लाइन के जैसा फीलिंग आएगा, ऐसे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए तो एक कंटिन्यूस लाइन जैसा फीलिंग आता है। और थोड़े ऐड कर दो तो शायद आपको वीडियो में ज्यादा अच्छे से दिखेगा, लेकिन अगर मैं उसी मोबाइल को, मेरे कैमरा को नजदीक ले आऊं, इसके बहुत नजदीक, तो पता चलेगा कि ये कंटिन्यूस लाइन नहीं है लेकिन बहुत सारे छोटे 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 डॉट्स हैं। हर एक डॉट को एक चार्ज समझो। तो एक सिंगल चार्ज जो है वो इम्प्रैक्टिकल होता है, कोई ज्यादा मीनिंग नहीं रखता है, इसलिए हम कंटिन्यूस चार्ज को स्टडी करते हैं। लेकिन हाँ, हमने अभी तक जो कुछ भी स्टडी किया, कूलम्स लॉ वगैरह सब, एक सिंगल चार्ज को लेकर स्टडी किया तो उसको समझना थोड़ा इजी हो गया था। तो बच्चों, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, तीन टाइप का होता है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ थ्री टाइप्स। यू हैव लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन यू हैव सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यू हैव वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। सो यू हैव थ्री पॉसिबिलिटीज, इट मे बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। व्हाट डज दैट मीन? कंसीडर दिस सरफेस, ये सरफेस को देखो आप, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा छोटा बना दूं सो दैट मेरे को
ड्रॉ करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये सरफेस को देखो आप, अब इसके ऊपर मैं बहुत सारा चार्ज बना देता हूं और ये सारा चार्ज अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ पॉइंट्स ऐसे है, ये रीजन जो है वहां पर हमको ऐसे लगता है जैसे ज्यादा चार्ज है, यहां पर कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, इधर पे और थोड़ा कम है। तो ये अगर मैं हर एक डॉट को चार्ज कंसीडर करता हूं तो मुझे ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिला है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन थ्रू आउट अगर वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सब जगह पर इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और उसी बेसिस पर हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी में हमारे पास अकॉर्डिंगली होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। बच्चों ये थोड़ा बहुत आपका मैकेनिक्स में जो मास के बारे में पढ़ा है, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, उसके जैसा ही है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड फॉर्मूला इज क्यू बाय एल, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यूनिट क्या होगा बता दो आप, यूनिट ऑब्वियसली होगा कूलम पर मीटर, क्यू का यूनिट कूलम, लेंथ का यूनिट मीटर, तो कूलम पर मीटर हो जाएगा। और अगर चार्ज बहुत छोटा लिया, मान लो अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या करेंगे, छोटा सा सरफेस ले लेंगे या छोटा सा लाइन एलिमेंट ले लेंगे। अगर ये कोई लाइन है, ये कर्व दिखता है आपको, लेकिन इसको भी हम लाइन कंसीडर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया, तो ये जो छोटा एलिमेंट है वो लीनियर दिखता है हमको। तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा क्यू, और ये छोटा सा जो लेंथ है उसको डिनोट करेंगे डेल्टा एल। Then I can write the formula lambda is equal to delta Q by delta L, and hence we have this formula also, delta Q is equal to lambda delta L. Students, this formula will be very helpful in solving problems, even in our state board questions and even in JEE and NEET questions. So understand this. One more thing, if I have to write the dimensional formula, how do we write the dimensional formula? Remember, dimensional formula for charge is written as A1T1, and mass, this meter, that is length, is L minus 1. So the dimensional formula for linear charge density will be L minus 1 T1 A1. This is the dimensional formula for linear charge density. Similarly, we speak of continuous or surface charge density. सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा, एंड फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन सिंपली राइट द फॉर्मूला एज चार्ज अपॉन एरिया। ऑब्वियसली यूनिट विल बी कूलम पर मीटर स्क्वायर, सो डायमेंशनल फॉर्मूला यू कैन राइट एल माइनस टू टी वन ए वन, दिस इज करेक्ट। And for non-uniform distribution, your formula will be sigma is equal to delta Q by delta A. Sometimes for area, you will see the letter S also. So you will see here delta S. That is not a big deal. That means delta Q is equal to sigma delta A. That is the formula. And for volume charge distribution, we have volume charge density. Like for example, in the nucleus of an atom, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, पूरा अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भरा है, तो उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर ऐसा कोई स्फीयर है मेरे पास तो उसके ऊपर सिर्फ चार्ज होगा तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे रो। फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन द फॉर्मूला विल बी चार्ज अपॉन वॉल्यूम,
एंड ऑब्वियसली द यूनिट विल बी कूलम पर मीटर क्यूब, सो डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी एल माइनस थ्री टी वन ए वन. एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यू विल राइट द फॉर्मूला रो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी. दैट मीन्स आई कैन राइट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रो डेल्टा वी. Now sometimes they may ask you to find out total charge. So total charge Q for a non-uniform distribution. In case of linear charge distribution, you may use the formula integral of lambda delta L. So I can write integral of lambda dL. For surface charge density distribution, we may have sigma dA. And similarly, for volume charge distribution, you may have the formula rho dV. That would be the formula for finding out total charge. So students, that is all about charge distribution. And one more concept to understand in charge distribution, let us see that. Sometimes you come across the word charge density. Sirf charge density likha hai, for example, charge density. Agar sirf charge density likha hai, to aap kaun sa charge density consider karoge? Linear charge density ya surface charge density ya volume charge density? Agar sirf charge density likha hai, to hum usko aksar वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ही कंसीडर करते हैं. एक छोटा सा कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं. अगर सिर्फ चार्ज डेंसिटी मुझे दिया है रो, और हमको बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है मुझे. सपोज ये कोई नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है. अभी ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये तो वॉल्यूम जैसा तो दिखता नहीं है, सरफेस दिखता है. तो वॉल्यूम है वो समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, ऐसे इस तरह से मैं ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ये बताने की कोशिश करता हूं. ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है. Suppose this is the x-axis, y-axis, z-axis, and we are having this non-uniform charge distribution. कुछ चार्ज इधर है, कुछ चार्ज इधर है. यहां पर शायद बहुत ज्यादा चार्ज होगा, इधर पे कम चार्ज होगा, इधर शायद बहुत ज्यादा डेंसिटी होगा, यहां पर कुछ चार्ज होगा, और यहां पर कोई पॉइंट P है. इस पॉइंट का हमको, और ये पॉइंट P के ऊपर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है. तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे ढूंढेंगे, देखो हम क्या करेंगे. ये जो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर मैं छोटा सा एक वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं. ये मेरा एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है. ठीक है, तो इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा वी. अगर डेल्टा वी बहुत छोटा है तो आई कैन राइट इट एज डी वी. दैट इज माय वॉल्यूम एलिमेंट. सपोज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस वॉल्यूम एलिमेंट इज आर. आई हैव दिस पॉइंट पी समवेयर हियर. And this position vector is suppose capital R. The distance from P to my volume element is R dash. So ये direction में जो unit vector होगा उसको मैं
आर डैश कैप ऐसे लिखूंगा। अब इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से पी के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हम ऐसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डीई एट पॉइंट पी ड्यू टू द वॉल्यूम एलिमेंट इज इक्वल टू, वी नो व्हाट इज अ वॉल्यूम फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। सो आई विल राइट हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय आर डैश स्क्वायर, और आई मे राइट सिंपली आर डैश स्क्वायर एंड हियर आर डैश स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू, तो अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था, आई कैन राइट डी क्यू इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय डी वी, सो दिस कैन बी रिटन एज डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डीवी अपॉन आर डैश स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर डैश कैप। नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो आर डैश स्क्वायर बीइंग कांस्टेंट वी कैन टेक इट आउटसाइड एंड ऑन इंटीग्रेटिंग वी कैन राइट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to integral of 1/4 pi epsilon naught rho dv upon r dash square multiplied by r dash cap. That is how you can find out the electric field at point P due to the entire charge distribution. बच्चों ऐसे हम continuous charge distribution के साथ work करते हैं। तो ये video में आज हमने study किया है continuous charge distribution। इसके बाद वाले next video में हम study करने जा रहे हैं Gauss law, one of the most important law in physics and very useful for understanding the calculation of electric field. So see you very soon in the next video for Gauss law.